नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। देश में करीब 70 सालों के बाद चीतों के फिर से दिखने पर लोग काफी उत्साहित हैं। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में लाए गए 8 चीतों को भारत में अब 24 घंटे हो चुके हैं। उन्हें अफ्रीकी देश नामीबिया से लाया गया है। इन 24 घंटों में वो भारत की मिट्टी से कितने रूबरू हुए, क्या वो अपने आप को भारत के मौसम के हिसाब से ढाल पा रहे हैं या फिर नहीं, ये बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया। चीते 75 साल करीब करीब उसके बाद हमारी देश की धरती पर लौट आए हैं। दूर अफ्रीका से आए हैं, लंबी सफर करके आए हैं, हमारे बहुत बड़े मेहमान आए हैं। हमारे देश की मिट्टी को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये परदेशी। अफ्रीका के जंगलों से हिंदुस्तान की फिजाओं में रमने की कोशिश में हैं ये परदेशी। अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए इन 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। इन 24 घंटों में चीतों की सेहत से लेकर उनकी हर हरकत पर वन विभाग की पैनी नजर है। चीतों की देखभाल कर रहे एक फॉरेस्ट अफसर ने एबीपी न्यूज को बताया कि चीते बाड़े में छोड़े जाने के बाद शुरुआत में कुछ मिनट तक आसपास के माहौल का जायजा लेने के बाद खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। शुरुआती बेचैनी चीतों में इसलिए देखी गई क्योंकि वो एक नई जगह पर आए थे और जगह से वाकिफ भी नहीं थे। चीतों ने पूरे बाड़े पर निगाह डालने के बाद अपने आप को आरामदायक स्थिति में पाया। ज्यादातर चीतों ने बाड़े में आने के बाद कभी आराम फरमाया तो कभी वो बाड़े में टहलते नजर आए। और सबसे बड़ी बात है कि इन चीतों ने अपने बाड़े में मार्किंग भी की है। इसका मतलब है कि चीतों ने नेशनल पार्क को अपने नए घर के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया है। चीतों के व्यवहार पर पूरी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा इन सभी चीतों का डाइट चार्ट भी तैयार है। भारत में चीता प्रोजेक्ट के प्रमुख SP यादव ने एबीपी न्यूज को बताया है कि चीतों को नामीबिया से खाना खिलाकर लाया गया था। चीते 3 दिन में एक बार खाना खाते हैं, यानी अब इन्हें तीसरे दिन यानी सोमवार को खाना दिया जाएगा। सोमवार को उन्हें खाने में सर्टिफाइड मीट दिया जाएगा। ये खाना रविवार को चीतों का मेडिकल चेकअप करने के बाद सोमवार को चीता विशेषज्ञ की निगरानी में दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कुनो नेशनल पार्क में चीते के पहले खाने में भैंसे का मीट परोसे जाने को लेकर संभावना ज्यादा है। चीता विशेषज्ञ मीट की जांच कर ये जानेंगे कि कहीं कोई बैक्टीरिया या इन्फेक्शन या किसी दूसरे तरह का कोई इन्फेक्शन तो मीट में नहीं है। इसके बाद ही चीतों को खाना परोसा जाएगा। चीते आमतौर पर ज्यादा पानी पीते हैं, इसलिए चीतों के बाड़े में पानी की व्यवस्था को निर्बाध बनाया गया है। चीतों से जुड़े एक प्रोजेक्ट के अधिकारी ने बताया कि चीते बाड़े में आने के बाद उमस ज्यादा होने की वजह से हर 2 घंटे में पानी पी रहे थे और उसके बाद आराम फरमा रहे। चीतों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अगले 1 महीने के दौरान करीब 13 विशेषज्ञों की पूरी टीम चीतों पर पैनी नजर रखेगी। सभी पैरामीटर का डेटा नोट किया जा रहा है ताकि न केवल स्वास्थ्य बल्कि व्यवहार और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को पूरा किया जा सके। इसके लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। सभी चीते सीधे कैमरे की निगरानी में हैं। इसलिए अभी रेडियो कॉलर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नामीबिया से आई चीता फाउंडेशन की प्रमुख लॉरी मार्कर भी इन चीतों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जबकि भारत में चीता प्रोजेक्ट के प्रमुख SP यादव ने बताया कि उम्मीद है जल्द से जल्द ये सभी चीते कुनो नेशनल पार्क को अपने नए घर के रूप में स्वीकार कर लेंगे और जल्द ही इन चीतों के विस्तार की पुनर्जन्म की कहानी स्वर्ण अक्षरों में लिखी जा सकेगी। चीतों को देखने के लिए आम लोगों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। जब तक चीते इस नए माहौल में पूरी तरह ढल नहीं जाते तब तक उन्हें लोगों से दूर रखा जाएगा। सिर्फ वन विभाग के लोगों को ही उनके पास जाने की इजाजत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस सिलसिले में पार्क के कर्मचारियों को हिदायत दी है। आप अभी बताया गया होगा कि थोड़े दिन तक चीता देखने के लिए आना नहीं है, उसको सेटल होने देना है, फिर वो बड़े जगह पे जाएगा, वहाँ कुछ दिन सेटल होने देना है। ये आपका काम है, किसी को घुसने मत दो। मैं भी आऊँ तो मुझे भी घुसने मत दो। मेरे नाम से कोई मेरा रिश्तेदार आ जाए तो भी नहीं, जब तक उनका समय पूरा होगा उसके बाद घुसने दो।
भारत में चीतों के विलुप्त होने के 70 साल बाद सरकार ने इन्हें फिर से देश में वापस बसाने के प्रयास शुरू किए हैं। ऐसी उम्मीद है कि अगर ये 8 चीते भारतीय माहौल में ढल जाते हैं तो भविष्य में इनकी संख्या और बढ़ाई जा सकती है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।